महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में गुरुवार शाम मुंबई कुआ हाईवे पर एक पुल के नीचे विस्फोटक जैसा सामान मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल आपको बता दें, रायगढ़ जिले में गुरुवार रात नदी पर बम जैसी संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप मच गया। बम की सूचना मिलते ही रायगढ़ के एसपी सहित लोकल क्राइम ब्रांच और मुंबई एटीएस की टीम मौके पर पहुंची। छानबीन में पता चला कि ये एक डमी बॉम्ब था। रायगढ़ के एसपी सोमनाथ धौरगे ने बताया कि पेड़ा इलाके में जो बम मिला था उसकी जांच की गई और वो डमी बम निकला। करीब 4 घंटे की कोशिश के बाद संदेहास्पद बम को निष्क्रिय किया गया। गौरतलब है कि गुरुवार शाम 5 बजे के आसपास हूबहू बम जैसी दिखने वाली एक वस्तु के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके बाद नवी मुंबई और रायगढ़ से बीडीएएस की टीमें रवाना की गई थी। एसपी का कहना है कि इसमें एक्सप्लोजिव नहीं था, लेकिन इसे डमी बम के प्रोसेस के हिसाब से डिस्ट्रॉय किया गया है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार सुबह दोबारा पुलिस की टीम उस इलाके में जाकर सर्च ऑपरेशन करने वाली है, ताकि पता लग सके कि ऐसे और बम किसी ने रखे या फेंके तो नहीं है, जिससे लोगों में पैनिक पैदा हो। एसपी ने यह भी बताया कि ये बम जैसा दिखने वाला बनाया गया था, लेकिन इसमें हमें एक्सप्लोजिव या डेटोनेट नहीं दिखाई दिया। इस बम से किसी प्रकार का खतरा नहीं था, लेकिन बीडीएएस ने नियमों के हिसाब से इसे डिस्ट्रॉय किया है। हालांकि पुलिस और एटीएस किसी भी एंगल को अभी रूल आउट नहीं कर रही है। हर एंगल से मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। आपको बता दें, बताया ये भी जा रहा है कि नदी में जिलेटिन की छड़ें मिलने की घटना इसलिए भी काफी गंभीर है, क्योंकि मुंबई में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी ने इस मामले की जानकारी देते हुए कहा कि भोगावती नदी पर एक पुल के नीचे बिजली के सर्किट और एक घड़ी जैसी जुड़ी 6 जिलेटिन की छड़ों के 2 गुच्छे मिले हैं। बताया गया है कि सावधानी बरतने के लिए एक तरफ के रास्ते को बंद कर दिया गया। रात तक नदी में पुलिस विभाग की टीम छानबीन करती रही। हालांकि ये छड़ें कहां से और कैसे आई, इस बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।